अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ राजा मोहम्मद फैसल एंड यू वाचिंग एकेडमी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके लिए हम आज एक स्केड्यूल लाए हैं जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इशू किया है। स्केड्यूल आप अपने वेब पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC की वेबसाइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि MDCAT 2022 का डेट आ गया है। उसकी टाइम टेबल जो है वो आ गई है कि आपका सेंटर कौन सा है और उस पर किस डेट पे एग्ज़ाम होगा आपका। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के टेस्ट कब होंगे, ये सारा कुछ मैं अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपके सामने है MDCAT स्केड्यूल्स। ये देखें MDCAT स्केड्यूलिंग डेट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ये स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें अब आप अपना जो टेस्ट सेंटर है वो भी मालूम कर सकते हैं, और उसके अलावा टेस्ट डेट भी आप मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका जो टेस्ट डेट है वो अपना आपका जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें, जो आपने ऑनलाइन अकाउंट फिल किया था वेब पोर्टल पर, उस पर जाके आप अपना टेस्ट डेट मालूम करें, फिर उस हिसाब से जाके टेस्ट दे के आए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो की। का टाइम स्केड्यूल जो है अहमदाबाद से स्टार्ट हो रहा है। अहमदाबाद कॉम्सेट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में हो गए उनके सेंटर वो है, और उसमें 24 सितंबर से 30 सितंबर तक एग्ज़ाम हो गए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बहावलपुर आप देखें, बहावलपुर का जो सेंटर होगा वो होगा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और 7 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक वहाँ पर भी ये एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। डीजी खान में डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल डेरा गाजी खान 7 से 16 सितंबर तक वहाँ पे होंगे, और DI खान गोमल यूनिवर्सिटी DI खान में होंगे 21 सितंबर से 30 सितंबर। उसके अलावा फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ये इस सेंटर में होंगे, 7 से 30 तारीख तक होंगे। और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित 7 से 8 सितंबर तक वहाँ पे भी होंगे। उसके अलावा गुजरांवाला पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में होंगे 7 से 30 सितंबर तक, और उसके अलावा हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी जामसरो हैदराबाद में होंगे एग्ज़ाम ये 7 से 30 सितंबर तक। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं 7 से 30 तारीख तक, और उसके अलावा इस्लामाबाद में एक और सेंटर भी है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे 7 से 30 तक। मतलब इसके दरमियान आपका टेस्ट हो सकता है, आप अपना टेस्ट चेक कर सकते हैं अपने ऑनलाइन वेब पोर्टल पे। अपना अकाउंट खोल के वहाँ पे चेक करें तो आपकी स्लिप आ जाएगी, उसमें डेट वगैरह मेंशन होगी। तो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट कराची का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो देखें, 7 से 19 तक कराची में एग्ज़ाम होंगे, वो भी ICCBS कराची ये एग्ज़ाम का सेंटर है। और उसके अलावा कराची में NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये भी एक सेंटर है कराची में, 7 से 30 तारीख तक वहाँ पे भी होंगे। और उसके अलावा जो रीजन है खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में होंगे 7 से 30 तक। मतलब इसमें सखर लाड़काना शिकारपुर जकबाद घोटकी ये सारे ज़िले यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। लाहौर UET लाहौर में होंगे 7 से 30 तक, मालाकंड में यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में 7 से 20 तक। उसके अलावा मीरपुर AJK में मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर में 14 से 19 सितंबर तक। उसके अलावा मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होंगे 7 से 30 तारीख तक। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK 24 तारीख से 30 सितंबर तक होंगे। नावशा में भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं MDCAT के, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह में 7 से 30 तारीख तक, और पेशावर में भी IMS मेडिकल साइंस पेशावर में होने जा रहे हैं 7 से 30 तक। पेशावर में एक और सेंटर है पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर 7 से 30 तारीख तक। क्वेटा में भी होने जा रहे हैं एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में 7 से 30 तक, और साहिवाल में भी होने जा रहे हैं एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल 7 से 30 तारीख तक, और सियालकोट में आखिरी GC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट 7 से 30 तारीख तक ये एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी पकड़ लें और मुकम्मल तैयारी करके
हथियार अपने तेज़ करके फिर एग्ज़िम में जाएं और इंशाल्लाह फतेह आपकी होगी। तो दोस्तों ये है टाइम टेबल, ये है स्केड्यूल, ये है स्केड्यूल। एमडी केट वालों अब तैयार हो जाओ, अपने एग्ज़िम की मुकम्मल तैयारी कर लो और इंशाल्लाह फतेह आपकी होगी। इफ़ यू लाइक योर वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।